चलिए आप शुरुआत करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका भी। आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। क्या संघ और बीजेपी के बीच कुछ घट रहा है जिसकी आहट महसूस की जा रही है? क्या घट चुका है जिसका असर लोकसभा चुनाव 2024 पर देखा गया है? इन्हीं बातों के इर्द गिर्द संघ से भी आ रहे हैं और संगठन से भी ये संकेत निकल कर आ रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं। संघ प्रमुख गोरखपुर में आरएसएस से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने भी जा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात भी होनी है। इस मुलाकात की चर्चा सब जगह हो रही है। इन्हीं चर्चाओं के बीच हम जनता के बीच गए, जनता के पास पहुंचे, कुछ सवाल हमने पूछे और लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है। इंडिया न्यूज के सबसे बड़े सर्वे पर आज हम सब कुछ आपको बताएंगे और दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए और आप भी कुछ समझिए। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद सियासी गलियारों में एक सवाल तेजी से दौड़ रहा है कि क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच दूरी बन रही है? क्या बीजेपी और संघ के बीच खींचतान चल रही है? दरअसल इन सवालों के उठने के पीछे कुछ वजहें भी हैं। संघ के मुखपत्र में छपे आलेख ने इन सवालों को और तूल दे दिया है। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस ने बीजेपी की वैसी मदद नहीं की, हालांकि इन दावों की कोई ठोस जमीन नहीं है। जितनी मुंह उतनी बातें। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह साफ कर दिया है कि संघ हमेशा लोकमत तैयार करता है और इस बार भी उसने ये काम किया है। बाहर तो वातावरण दूसरा है, चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, कल सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है, उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारण करने वाला वो प्रसंग है, महत्वपूर्ण है, लेकिन हम चर्विचर्वण करते रहे इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा, क्यों कैसे इसमें संघ के हम लोग नहीं पड़ते। हम अपना कर्तव्य करते रहते लोकमत परिष्कार का, प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। दरअसल चुनावों के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी अब उस स्थिति में नहीं है कि वह आरएसएस का हाथ पकड़कर चले। अटल जी के समय में बीजेपी को आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन अब पार्टी सक्षम है। नड्डा ने यह बयान किस मंशा से दिया ये तो वही जाने, लेकिन विरोधी गुटों के नेताओं ने इसे संघ बीजेपी की खींचतान वाले किस्सों में तब्दील कर दिया। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गट बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और बिना कारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय ये खलस्य, ऐसा कहा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाम परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के होता है, करने के लिए होता है। इस खींचतान के बीच चुनाव नतीजों पर बात करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता है और वह दूसरों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए काम करता है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मणिपुर हिंसा को लेकर भी चिंता जाहिर की। इस बयान का कनेक्शन भी नाराजगी से जोड़ने में देर नहीं की गई। अब एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर
उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। बीजेपी और आरएसएस के बीच खटपट की अटकलों के बीच गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। संघ समाज को राह दिखाने का काम करता है, वो सही गलत की पहचान भी कराता है और समय समय पर वो संकेत भी देता है। और जो संकेत संघ से निकलकर आ रहे हैं, जो बातें बीजेपी से निकलकर आ रही हैं, वो तो अलग हैं, लेकिन चुनाव परिणाम जो निकलकर आ रहे हैं उस पर भी संघ से जोड़कर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। इन्हीं बातों को लेकर हम कुछ सवाल पूछने लोगों के पास गए, लोगों की राय भी उस पर निकल कर आ रही। और जो सवाल हमने पूछे वो इस वक्त आपके सामने। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि क्या 2024 चुनाव नतीजों के बाद संघ और बीजेपी के बीच खींचतान की खबरें सही हैं। 74% लोगों ने कहा कि हाँ ये खबरें सही हैं, 25% लोगों ने कहा ये खबरें सही नहीं हैं, और 1% लोग इन हाँ और ना से कोई विकल्प चुनना नहीं चाहते। प्रोफेसर सौरव मालवीय संघ विचारक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हिमांशु त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, संजीव उनियाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सौरभ के पास मैं चलूंगा। प्रोफेसर सौरव मालवीय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चुनाव हो गए, जैसे कि संघ प्रमुख ने कहा चुनाव खत्म भी हो गए, लेकिन चुनाव में ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसकी चर्चा अब भी चल रही है। संघ कभी भी या संघ प्रमुख कभी भी सीधी बात नहीं करते, संघ से हमेशा संकेत निकलता है, और जब संघ से संकेत निकलता है तो समझदार लोग समझ जाते हैं, और समझदार लोग जब समझ जाते हैं तो ठीक वही राय निकल कर आती है जो सवाल हमने पूछा। 74% लोगों की राय कि हाँ संघ और बीजेपी के बीच खींचतान की खबरें चल रही हैं। आपका क्या मानना है मनोज जी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, वह गैर राजनीतिक संगठन है, और दुनिया की सबसे बड़ी या गैर सरकारी संगठन है। संघ का कार्य समाज के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों के विकास, राष्ट्र और राष्ट्रीयता, भारत भारतीयता और मूल्य पर आधारित जीवन शैली को विकसित करना है, जिसके आधार पर व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया शाखा के द्वारा और सेवा के द्वारा किया जाता है। राजनीति के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय मान बिंदुओं पर, राष्ट्रीय विचार बिंदुओं पर संघ से सहयोग की अपेक्षा करता है, उसको संघ सहयोग करता है, परंतु राजनीति के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं के बारे में संघ की कोई डायरेक्ट भूमिका नहीं होती। यही मोहन भागवत जी ने भी कहा है और यही संघ की कार्य पद्धति भी। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संगठन है और पूरी तरह से राजनीति के लिए वह क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पराजय, कार्यशैली या सत्ता में रहने का या कार्य पद्धति का यह भारतीय जनता पार्टी को तय करना होता है। संघ का इसमें प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं है। मनमुटाव की जहां तक बात है और लोगों का अभिमत जो आया है, इस अभिमत का तो सदैव स्वागत है, जनमत का स्वागत है, लेकिन इस तरह का प्रत्यक्ष कोई वर्क नहीं होता। राजनीतिक क्षेत्र में अन्य दल भी, कोई भी दल यदि संघ का सहयोग चाहता है, मांगता है कि हमें चाहिए, तो संघ उसको भी देगा, उसके लिए भी कार्य करेगा। लेकिन जिन बिंदुओं को लेकर मतभेद, जैसा कि पराजय की स्थिति आना, कम सीट आना, तालमेल नहीं होना, यह संघ का विषय नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी अपनी समीक्षा करे, चिंतन करे, भारतीय जनता पार्टी अपनी समीक्षा करे और संकेत लेकिन जरूर दे दिए गए हैं। असल में ये बात क्यों उठी, तमाम सारे बयान निकल कर आ रहे हैं। सर्वे का दूसरा सवाल हमारा इसी से संबंधित है और वो सवाल है कि मणिपुर हिंसा पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर आपकी राय क्या है?
20% लोगों ने कहा कि केंद्र को नसीहत दी गई थी, 38% लोगों ने कहा मणिपुर की चिंता है, 31% लोगों ने कहा कि सामान्य बयान है और 11% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। हिमांशु त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद है। हिमांशु जी, आखिर ये चर्चा क्यों हो रही कि संघ और बीजेपी के बीच चल क्यों रहा है, क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा है वो अभी तो नहीं हुई, मणिपुर में जो हिंसा हुई है इससे ज्यादा भीवत्स, इससे ज्यादा चिंतनीय, इससे ज्यादा सोचनीय जो तस्वीरें हैं, वहां की घटना, वहां की खबरें तो इसके पहले भी आ चुकी हैं। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत संकेत देते हैं कि एक साल से मणिपुर जल रहा है, इसकी चिंता कौन करेगा, अब तो चुनाव ही खत्म हो गया, ये संकेत क्या है? जी बिल्कुल, मोहन भागवत जी ने जो कहा है तो उनका इशारा साफ है किसकी तरफ है, और समझने वाले समझ जाते हैं। जैसा आपने खुद कहा कि संकेतों में बात करता है संघ, लेकिन एक बात और कही है अभी कुछ देर पहले संघ के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि मेरा कोई सीधा दखल नहीं होता सर का, लेकिन जो संगठन महामंत्री के पद होते हैं बीजेपी में, वो लगभग सभी पद जो है संघ से आए लोग ही, संघ की पृष्ठभूमि यानी सीधे सीधे संघ से जुड़े लोग ही, चाहे उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हो बीजेपी के, ये पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और ये पद संघ से जुड़ा प्रतिनिधि ही प्राप्त करता है। आमतौर पर कोई बीजेपी का नेता इस पद पर नहीं पहुंच सकता, तो एक ये बात रही। दूसरी, जो उत्तर प्रदेश के नतीजे आए हैं, अगर ये नतीजे फेवर में आ जाते और करीब 60-70 सीटें बीजेपी जीत जाती तो इस पर उतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन चूंकि नतीजे निराशाजनक रहे बीजेपी के लिए और समाजवादी पार्टी बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो गई, तो अब लोगों को याद आने लगा कि कैसे हर चुनाव, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव, संघ का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि प्रत्येक दफ्तर में, चाहे केंद्रीय कार्यालय हो चाहे विधानसभा वार कार्यालय हो, हर कार्यालय में आरएसएस होता है, होता है। और इसे हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि संघ अपने एक प्रतिनिधि को डेपुटेशन पर बीजेपी में भेजता है, जिसे संगठन महामंत्री कहा जाता है, वो राज्यों में भी होता है और वो केंद्र में भी होता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी सक्रिय नेता हैं उनमें भी बड़ी होड़ लगी रहती है, वो प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, क्योंकि वो मानते हैं कि जो वर्ग किया हुआ व्यक्ति है वो बहुत आगे जाता है, और संघ जब भी निर्णय करता है तो कहीं ना कहीं उसमें उन बातों का भी जिक्र रखा जाता है। लेकिन तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, और तीसरा सवाल लोगों से क्या पूछा कि गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात की चर्चा है, मुख्य मुद्दा क्या होगा, 25% लोगों ने कहा यूपी में हार का विषय, 21% लोगों ने कहा अयोध्या में हार पर चर्चा होगी गंभीर, 37% लोगों ने कहा कि संघ और बीजेपी का समन्वय एक बड़ा मुद्दा होगा, और 17% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हमारे साथ मौजूद हैं एक और हमारे मेहमान, उनसे हम चर्चा करेंगे, उनसे इस पर जानने की कोशिश करेंगे, संजीव उनियाल। उनियाल साहब, क्या कहेंगे आप? भाई, मुझे जितना संघ के बारे में जानकारी है मनोज जी, मुझे नहीं लगता कि जब गोरखपुर में सरसंघ चालक राष्ट्रीय समसेवक संघ के जब योगी जी से मिलेंगे तो उनके हालचाल, बातचीत, उनका ओवरऑल दिनचर्या, जनरल बातों के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी भी हद तक वो इस बारे में बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में क्यों हारी। ये बात आप निश्चित मान लें, जितना भी मैं संघ को जानता हूँ, संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, वो अलग अलग क्षेत्रों में, मजदूरों के क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो अधिवक्ता परिषद, वो इसी तरह पॉलिटिकल विंग जो द्वितीय सरसंघ चालक गुरुजी ने बनाया कि यह शायद लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपनी आवाज, अपनी बात कह पाए जब दूसरा उनके ऊपर प्रतिबंध लगा, तो सब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ आई और भारतीय जनता पार्टी ने वो रूप लिया पॉलिटिकल विंग का। तो अपनी पॉलिटिकल विंग की बात, जहां तक नड्डा जी की बात आपने कही कि जब भारतीय जनता पार्टी आज वर्ल्ड सबसे बड़ी 33-35 करोड़ की पार्टी है संगठन के साथ, उनके पास इतना बढ़िया संगठन है, तो नड्डा जी ने ठीक कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से संघ के बहुत दखलंदाजी, संघ के व्यक्तियों की, संघ के समसेवक की आवश्यकता नहीं है, हम खुद भी खड़े हो सकते हैं, और उन्होंने कर दिखाया, 240 सीटें जीती, तो संघ को अन्य भी काम होते हैं, तो अपने एक व्यक्ति को देख रेख के लिए हर एक जगह प्रचारक, जैसे
अधिवक्ता परिषद में एक प्रचारक जो है वो रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में देख रेख उनसे बातचीत करने के लिए रहते हैं, और ऐसे ही मैंने बताया कि सत्संग चालक जी विभिन्न लोगों से मिलते हैं, विभिन्न वर्टिकल के लोगों से मिलते हैं, तो उसी डोमेन में अगर वो संजीव जी, मैं आपसे इत्तफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है और जितना मैं जानता हूं, चाहे वो टिकटों का विषय हो, चाहे वो सांसदों के टिकटों का विषय हो, विधायकों के टिकटों का विषय हो, मंत्री चयन की भूमिका हो, मुख्यमंत्री चयन की भूमिका हो, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिना संघ की सहमति और बिना संघ के परामर्श से ये फैसला कर ले। संघ से उसको परामर्श लेना ही होता है। संजीव साहब, नहीं मनोज, मनोज जी मैं आपसे एग्री नहीं हूँ, आपकी अपनी आपसे सहमत नहीं हूँ, एग्री नहीं हूँ। आपने नहीं, आपने जो बोला, नड्डा जी ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी और आप कह रहे हैं कि आप हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष इलेक्शन से पहले ये बोलते हैं, आपने बोला ये अभी, और ये सबको पता है जी। कि वो भाज संघ के कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि संघ के बिना उनका उद्धार नहीं है, कोई टिकट फाइनल नहीं होता, तो विरोधाभास हो गया आपकी बातों में। नहीं, मैंने तो आपसे ये कहा कि बिना संघ की सलाह, विरोधाभास नहीं, मैंने कहा बिना संघ की सलाह के, बिना संघ की सलाह के मुख्यमंत्री तय नहीं होता है। संजीव जी, बिना संघ की सलाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं होता है, बिना संघ की सलाह के प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं होता है। सर्वे का एक और सवाल ले लेता हूं, और अगला जो फैसला होने जा रहा है ना, उस फैसले पर भी आप नजर देख लेना। अगला सवाल क्या, हमने लोगों से पूछा कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में किसकी भूमिका अहम होगी। 29% लोगों ने कहा बीजेपी, 3% लोगों ने कहा संघ की, और 60% लोगों ने कहा दोनों की मिलकर भूमिका होगी, और 8% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सौरभ वन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ साहब, संघ सीधे नहीं ये कहता है कि इसे बनाइए और इसे हटाइए, लेकिन जब भी बीजेपी में कोई निर्णय होते हैं तो संघ से परामर्श लिया जाता है, नहीं लिया जाता, संघ इन विषयों पर अपने परामर्श देता है कि नहीं देता। मनोज जी, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि परामर्श की विधा का सदैव स्वागत है। संघ के पास समाज के सभी वर्गों के लिए और राजनीति के क्षेत्र में भी काम करने वाले सभी के लिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को लगता है अपने संगठनात्मक, राजनीतिक, अध्यक्ष, क्रियाकलाप, व्यवहार के संदर्भ में पूछना, जानना, जांचना और परामर्श करना है, तो उसके लिए उसका स्वागत है, निश्चित तौर पर स्वागत है। जो भी श्रेष्ठ, जो भी उत्तम, जो भी अच्छा विचार हो सकता है, वह विचार संघ भारतीय जनता पार्टी को देता है, देगा, साथ में सभी को देगा, जिसको भी आवश्यकता हो। जिस व्यक्ति, जैसे अभी बात आई कि संघ के संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी में है, निश्चित तौर पर है, संघ से भेजे गए हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संघ के स्वयंसेवक हैं, स्वयं प्रधानमंत्री संघ के स्वयंसेवक हैं, विभिन्न राज्यों में संगठन मंत्री संघ के स्वयंसेवक हैं, प्रचारक हैं, काम करते हैं, पूरे समय काम करते हैं। जो भी मांगेगा, बीजेपी ने मांगा तो बीजेपी को दिया, दूसरे दल मांगेंगे दूसरे दल को देंगे। संघ का कार्य ही है भारतीय समाज को ठीक दिशा में राष्ट्र के लिए खड़ा करना। तो समाज के सभी क्षेत्रों में और राजनीति के सभी जगह पर संघ तैयार है भेजने के लिए, मांगने वाला चाहिए। तो मनोज जी, आपका जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में क्या संघ से परामर्श आवश्यक है, यदि भारतीय जनता पार्टी को आवश्यक लगता है तो संघ परामर्श देगा। और दूसरी बड़ी बात सौरभ भाई, दूसरी बड़ी बात जो है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, हिमांशु त्रिपाठी इत्तफाक रखेंगे और संजीव साहब भी इत्तफाक रखेंगे, 2014 में जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय किया तो लालकृष्ण अडवाणी को तय नहीं किया, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को तय किया, और जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को तय किया तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन संघ डटकर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहा, और जब संघ डटकर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहा तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि नरेंद्र मोदी का विरोध कर सका। त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? नहीं नहीं मनोज, बीजेपी में और यही बात हुई थी। आप देखिए, पीएम मोदी के साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीएम योगी के नाम की चर्चा कहीं नहीं थी। जो नाम चल रहे थे चर्चा में, डॉक्टर दिनेश शर्मा, मनोज सिन्हा, इस तरह के नाम चर्चा में चल रहे थे, लेकिन अचानक फोन आता है और सीएम योगी दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से वापस
आते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो हर फैसला जो भी आम फैसला होता है वो प्रत्यक्ष रूप से भले ना ये माने, स्वीकार न करे, लेकिन संघ का बीजेपी को खड़ा करने में और बीजेपी के हर फैसले में सबसे बड़ा रोल रहता है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई इनकार नहीं कर सकता। और संघ का एक संकेत और होता है, निश्चित तौर पर सीधा कोई दखल नहीं होता है, संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन संघ इस पर भी कड़ी निगरानी रखता है कि उसकी जो रीति और नीति है उस रीति और नीति से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। और जब गलत रास्ते पर होते हैं तो निश्चित तौर पर संघ चेताने का काम करता है कि आप गलत हैं, अपना रास्ता सुधार लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।